खास तौर पे इसका स्वाद पराठों के साथ बहुत अच्छा आता है। सफर के लिए भी ये बहुत अच्छी है, सफर में भी इसको आप ले जा तो सकते हैं। हमने कढ़ाई में तेल डाल दिया है, आज हमारे यहाँ बारिश हो रही है तो आज हमने सोचा कि कोई फटाफट बनने वाली एक रेसिपी हम सब बनाए। तो देखिए हमने आज मिर्ची हमने ये ली है, ये देखिए हम आपको दिखा रहे हो, मिर्ची में से बीच में से हमने ऐसी लाइनें खींच ली है, दरार कर दी है। ये मिर्ची मैंने काट ली है, इसको जैसे चीरा लगा दिया है। ये देखिए मिर्ची डंडी नहीं तोड़ना, जो बहुत अच्छी लगती है खाने में। अब मैंने तेल ले लिया है, दो करछी तेल डाल दिया है। अब मैं बेसन कितना लिया है, ये बेसन लिया है लगभग 250 ग्राम बेसन है, ज़्यादा मिर्ची है इसलिए मैंने 250 ग्राम बेसन लिया। अब मैं जीरा डाल रही हूँ, जो चटक जाएगा, देखिए जीरे को चटकाना ज़रूरी है। अब मैं राई डाल रही हूँ, राई डाल दी, खाते हो तो लहसुन डालो, नहीं खाते हैं तो नहीं डाल। ये मैंने प्याज डाल दी, देखिए प्याज हमने डाल दी और ये हल्का ब्राउन हो जाए, इसको हल्का ब्राउन होने तक आपको सेकना है। फिर हमारे प्याज हल्के ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसमें बेसन डालेंगे। इसको कब तक भूनना है, लाल लाल कलर चेंज हो जाए इसको, ब्राउन सरी का खुशबू आने लगती है। हाँ देखिए दोस्तों, हम बेसन को हमने अच्छी तरह भून लिया है, लेकिन अगर आप इसको फुल आँच पे बिल्कुल ना करें, ये फुल आँच पे ये जल्दी सिक जाएगा लेकिन खाने में फिर ये कच्चापन आएगा। आप इसे मद्दे में ही सेके इसकी खुशबू आने लगेगी। और आप चाहो तो जब मसाले बनते हैं इसके तो उसमें आप आमचूर भी डाल सकते हो, लेकिन किसी के यहाँ नहीं रहता है तो ज़रूरी नहीं है, वो स्वाद के लिए हम डालते हैं। तो आप चाहो तो डाल सकते हो और चाहो तो नहीं डाल सकते हो। देखिए हमने नमक डाला है, नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हो। ये हल्दी हमने ली है आधी चम्मच, धनिया पाउडर लिया है। देखिए दोस्तों इसमें हम जो मिर्ची ही बना रहे हैं तो हमने इसमें लाल मिर्ची का उपयोग नहीं किया है। अगर आपको लगता है कि हमें लाल मिर्ची भी डालनी है तो आप अपने स्वाद अनुसार लाल मिर्ची डाल सकते हो। इसमें पानी की सीटे थोड़े डाल दें, देखिए खट्टा हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है और मिर्ची में भरने में आसानी रहती है। आप चाहो तो सूखे भी भर सकते हो बिना पानी के, आप चाहो तो सूखे भी भर सकते हो लेकिन पानी डालने से ज़्यादा सही रहता है। जैसे अपन सूखा बेसन बनाते हैं वही बेसन बन गया है। आप सूखा बेसन बनाते हो सेम वैसे ही हमें बनाना है, उसके बाद फिर हमें मिर्ची में भरना है। पहले आप छींटे उमारने के बाद थोड़ा और अच्छी तरह से घुमा लें कि अच्छी तरह ये मिल जाए, जिससे उसका पानी कच्चापन दूर हो जाता है। देखिए इसलिए मारते हैं, इसमें फैलती नहीं है मुँह में बेसन, छींटे इसलिए अपन मारते हैं कि ये खट्टा हो जाता है और इसमें भरने में मिर्ची में फैलती नहीं है, बढ़िया इसका कच्चापन दूर हो गया, पानी का अच्छा हो गया। अब मैं थोड़ी देर के लिए गैस बंद कर देती हूँ और मिर्ची भरना चालू कर। ये देखिए दोस्तों देसी वो बेसन हमारा मसाला बन चुका है, अब मिर्ची आपको इस तरह भरनी है। देखो हमारा कढ़ाई हमने रख दी है, देखिए इसमें हमने तेल छोटी करछी ली है तो 2 चम्मच तेल हम डाल रहे हैं, देखो 3 चम्मच और हमने डाल दिया है, थोड़ा हल्का गर्म हो जाए। और ये देखिए हमने मिर्ची सारी जो बेसन हमने भुना था सारी मिर्ची आप देख सकते हो, ये बहुत आसान है, कठिन काम नहीं है। अब हम इसमें मिर्ची बहुत अच्छी तरह गरम हो गई है, तेल हमारा गरम हो चुका है और मिर्ची आपको बहुत आराम से डालनी है, तरीके से डालनी है। ये आप देख सकते हो इसका रखने का तरीका किस तरह है, कैसे आपने मिर्ची रखनी है।
हाँ, हमने आपको बता दिया रखने का तरीका, गैस हमने मंदा कर दिया है, अब हम इसमें प्लेट ढक देंगे। देखिए 10 मिनट के लिए हमने मिर्ची डाल के प्लेट ढक दी है, तो 10 मिनट के बाद हम देखेंगे कि वो कैसी लगती है बनने में। वो 5 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसको ढक्कन हटा के इसको पलट रही हूँ, क्योंकि नीचे की मिर्ची हो गई होंगी तो पलटना जरूरी है। इसमें जो बेसन है ना वो ना निकले, देखिए सारी मिर्ची देख लीजिए देख गल हो रही है, नीचे की मर्च मिर्ची हैं हो गई हैं, सारी मिर्चियों को पलट देना। देखो कितनी अच्छी नीचे हो गई, कितनी देर तक और इसे मतलब रखना है? अभी 5 मिनट फिर रखेंगे इसको, एक साइज से हो गई है, दूसरी साइज से होना है, हो चुकी हैं मिर्चियाँ दूसरी साइज से और होना है इसको, कर 5 मिनट के लिए फिर ढक के रख देंगे। फिर इस मिर्चियों को अपन 8 दिन भी रख सकते हैं, खा सकते हैं, फ्रिज में रख दो तो 15 दिन भी चल जाएंगे, कुछ नहीं बिगड़ेगा, इनको आराम से चलेंगे। देखिए दोस्तों हम अभी देख रहे हैं हमारी मिर्ची बन चुकी है, आप कलर देख सकते हो कितना अच्छा इसका कलर आया है। फ्रिज में आप अगर रख सकते हो 10-15 दिन भी ये चल जाएगी, अगर आप बाहर रखोगे तो ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। तो आप चाहो तो ये जैसे बन जाती तो ऊपर से नींबू भी निचोड़ सकते हो, आमचूर भी डाल सकते हो, अगर एनिमल है तो डालिए, नहीं तो नहीं डाल सकते। हमारी इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए और लाइक करें, कमेंट करें, पूछिए, हम आपको ऐसी झटपट सब्जियों के बारे में बहुत सी चीज़ें बताएंगे। देखिए इसमें इस मिर्ची में एक खास बात ये है कि ये बहुत जल्दी झटपट बन जाती है, घर में कुछ भी ना हो तो भी ये हम इसे बना सकते हैं, ये रखी भी रहेगी, अगर ये फ्रिज में भी रखी